गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास क्लास 9 इंग्लिश में। अब बिहाई बुक से पढ़ाई कर रहे हैं। पोयम 8 आज ऑन किलिंग अ ट्री, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ये एक कविता है, इसका जो है शीर्षक है पेड़ को मारने पर। देखिए स्टूडेंट, पेड़ को ये जो है वो काट रहा है कुल्हाड़ी से, ठीक है। ये सही नहीं है, क्योंकि इससे क्या है कि पर्यावरण नहीं मिल पाएगा और शुद्ध ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगी। किसी तुम लोगों ने वृक्ष को काटते देखा होगा, किंतु क्या वे वृक्ष जो है को मारते हैं? क्या यह काम सरल है? ये हम यह कविता पढ़े और जाने कि कवि एक वृक्ष को मारने पर क्या कहता है। इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री, नॉट अ सिंपल जेव ऑफ द लाइफ विल यू इट, इट्स हेट ग्रोन slowly consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous hide, sprouting leaves. किसी वृक्ष को मार डालने में समय लगता है, किसी चाकू से साधारण से नहीं। क्या होगा? यह होगा धीमे धीमे मिट्टी के उपयोग से उसे बाहर निकाला, उसके रस को सोखता है और उसकी चमकते पड़ी छाल से क्या है पत्तियां निकलती हैं, ठीक। तो ये इसका भावार्थ हो गया। अब हम आपको बच्चों ये बताएंगे कि लिखते कैसे हैं। इट टेक्स, देखिए आपकी जो कॉपी है देखिए, आपको ये भी है कविता, है ना, आई टी इट। तो फर्स्ट फॉर्म जो है अक्षर का, फर्स्ट जो फॉर्म है वो अपन कैपिटल लेटर में लिखते हैं ना, यानी बड़े क्रम में लिखते हैं। आई आई इस प्रकार होगा आपकी, जैसे कॉपी की लाइन है, ठीक है। तो कॉपी की लाइन में आपको लिखना कैसे है ये देखिए। तो आई टी, टी इज अ स्मॉल लेटर, इट T-A-K-E-S, takes, ये सारे स्मॉल लेटर्स हैं, ये स्मॉल लेटर्स में जाएंगे T-A-K-E-S, M-U-C-H, much, M-U-C-H, much, time to, T-I-M-E, time to, kill a tree, K-I double L A T R double E tree, और उसके बाद कॉमा लगाएंगे, ठीक है। कविता में पहला जो है उसमें कॉमा, सेकंड नॉट अ सिंपल, N N इज अ कैपिटल लेटर होगा, N O T नॉट अ सिंपल, S I M P L E नॉट अ सिंपल J of the knife, J A B of, O F of the, P H E the knife, K N I F E. उसके बाद क्या है? Will do it. It has grown slowly, consuming the earth. ठीक है बच्चों, तो ये दो लाइन में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। आपको भी अपनी नोटबुक में क्या करना है, ऐसे ही एक्सप्लेन करना है। अब स्टैंजा 2, सो हैव एंड शॉप बट दिस अलोन वॉन्ट डू इट, नॉट सो मच पेन विल डू इट, द बिल्डिंग will heal and from close to the ground will rise curled green twigs, miniature bots which if the unchecked will expand again to former size. इसलिए इसे छांटो काटो, परंतु इससे काम नहीं चलेगा, जितना इतना ज्यादा कष्ट जो है फिर से घायल छाल जो है वृक्षों की, जब अपन उसको काटते हैं तो क्या होती है इसमें छाल होती है, ठीक है। तो वो क्या करेगी, फिर से स्वस्थ हो जाएगी,
और धरती के पास से लहराती हरी टहनियां भी उगाएंगी छोटी शाखाएं, जिन्हें फिर से रोका नहीं गया तो वे पुनः बढ़ आएंगी अपने पूर्व के आकार की। इसलिए पेड़ को कभी भी काटना नहीं चाहिए। आप देखो कि लिखते कैसे हैं। देखिए पहला शब्द है एस ओ सो, पहला कैपिटल में बनाना है तुमको एस ओ सो है एच। अब यहाँ सारे जो है वो कैपिटल लेटर्स हैं, तो कैपिटल में ही बनाएंगे कि एच ए सी के है एंड ए एंड डी एंड चॉप सी एच ओ पी डी यू टी बट कैपिटल होगा दिस टी एच आई एस दिस अलोन ए एल ओ एन ई वॉन्ट डू डब्ल्यू ओ एन टी वॉन्ट डू इट डी ओ डू आई टी इट ये हो गया। ये दूसरी लाइन कंप्लीट The bleeding part, T H E the B L double E D I N G bleeding bark B A R K will E W I double L H E A N ठीक है। तो जैसे शब्द हैं वैसे ही शब्दों को आपको कॉपी करना है। Then the matter of sorking and choking in sun and air, growing, hardening, twisting, writhing and then it is done। फिर वृक्ष से सूर्य की रोशनी और हवा में झुलसने और मरने के बाद भूरा होने, सख्त होने, मुड़ने, सूखने और मुरझाने से यह क्या होता है, वृक्ष फिर से जो है वो मर जाता है। आइए इसके डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग करते हैं। जी ए बी जेफ सडन रफ ब्लो एल ई पी आर यू एस लेप्रिसाइड discolored bark, H C K head cut rough by striking heavy blows, and choring earth trees are held securely with help of roots, snapped out, chopped out, sprawling and choking, drying up to the tree after being rooted out. ठीक है स्टूडेंट, तो आज आपने लिखने का तरीका देखा। अगर अक्षर जो है वो स्मॉल लेटर में है तो स्मॉल में लिखना है, कैपिटल में है तो कैपिटल लिखना है। आपको स्टैंजा तीन जो है वो आपको होमवर्क में है, आप कॉपी में जब लिखेंगे ना तो पूरा 1 2 3 पूरा लिखेंगे और डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग भी लिखेंगे और इसके बाद जो है इसके क्वेश्चन आंसर आप अगली क्लास से शुरू करेंगे। थैंक यू।